इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। उत्तरी कोची के छोटे से शहर मेथाला के एक कोने में सिमटी सी ये दो मंजिला मस्जिद है, जिसकी ढलानदार छत पर टाइल्स लगे हुए हैं, जो स्थानीय वास्तुकला का ही नमूना है। चेरामन जुम्मा मस्जिद वास्तुकला की दृष्टि से तो इतनी भव्य नहीं है, लेकिन नियमित रूप से रंग रोगन की वजह से ये जितनी पुरानी है उतनी पुरानी लगती नहीं है। इस मस्जिद की खासियत ये है कि इसे भारत में बनाई गई पहली मस्जिद माना जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी। ऐसा अनुमान है कि इस मस्जिद को पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही सन 628 में बनवाया गया होगा। क्योंकि सदियों से मस्जिद में मरम्मत और सुधार का काम चलता आया है, इसलिए इस बात की पुष्टि करना मुश्किल है कि ये वाकई भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है भी या नहीं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से और गहरे नुकीले किनारों वाली छत को देखकर ये जरूर लगता है कि ये 7वीं शताब्दी की मस्जिद है। ये मस्जिद उत्तर भारत में सल्तनत काल में बनी कुवतुल इस्लाम मस्जिद से 500 साल पहले बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि इस्लाम का प्रभाव केरल में कितना पुराना है। इसी तट से पश्चिम आस्थाओं ने भारत में प्रवेश किया था। ईसाई, यहूदी और इस्लाम धर्म इसी रास्ते से आए और खूब फले फूले। केरल में इस्लाम अरब व्यापारियों के साथ आया था। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान अल ताजिर ने अपनी किताब सिलसिलात अत तवारिख में लिखा है कि केरल में मुसलमानों की थोड़ी सी आबादी थी। साहित्य रिकॉर्ड के अनुसार केरल में मस्जिद की वास्तुकला 13वीं और 16वीं शताब्दी में परवान चढ़ी थी। बताया जाता है कि व्यापार के सिलसिले में अक्सर केरल आने वाले अरब व्यापारी मलिक इब्न दिनार ने इस मस्जिद के अलावा केरल के तट पर 8 और मस्जिदें बनवाई थीं। केरल के स्थानीय मुसलमानों का मानना है कि राजा चेरामन पेरुमल ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया था और उन्होंने मदीना की यात्रा भी की थी। उन्हीं के नाम पर मस्जिद का नाम चेरामन जुमा मस्जिद रखा गया था। चेरामन पेरुमल का मदीना से लौटते समय निधन हो गया था। उन्हें ओमान के सलाहलह शहर में दफनाया गया था, जहां आज भी उनकी दरगाह है। सन 1504 में पुर्तगालियों ने इस मस्जिद को नष्ट कर दिया था। कोडंगल्लूर बंदरगाह पर लोपोसोरस दे अल्बरगारिया के हमले में मस्जिद पूरी तरह नष्ट हो गई थी। उस हमले के बाद पुरानी इमारत को दोबारा बना दिया गया था। आधुनिक गलियारे और सभागृह 1984 में बनाए गए थे। इन गलियारों और सभागृह के वजह से पुरानी इमारत के बाहरी हिस्से पूरी तरह ढक गए हैं। मस्जिद में एक दिया है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह हजारों सालों से जल रहा है, जिसके लिए तेल विभिन्न आस्थाओं के तीर्थयात्री लाते हैं। हजारों सालों के बाद आज भी ये मस्जिद लोगों के लिए पवित्रता, समर्पण और प्रेम का प्रतीक बनी हुई है। भले ही ये मस्जिद उत्तर भारत के चंद मस्जिदों की तरह मशहूर ना हो, लेकिन इसे एक बार जरूर देखा जाना चाहिए।